सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल पीरा। इसका कहना है कि तुम दोनों कॉलेज में एक दूसरे से प्यार करते और ये बच्ची तुम्हारी। ये तो बहुत अच्छी बात है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, पर मुझे क्यों डरा रहा है भाई? सलमान खान की बजरंगी भाईजान की सीक्वल पवन पुत्र भाईजान को लेकर आई बड़ी अपडेट। क्या करीना कपूर को रिप्लेस करेगी ये एक्ट्रेस? सलमान खान इन दिनों फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर चर्चा में है, वही इसके बाद वो फिल्म टाइगर 3 में नजर आएंगे। इसी बीच फिल्म बजरंगी भाईजान की सीक्वल पवन पुत्र भाईजान चर्चा में आ गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फिल्म से करीना कपूर खान को पूजा हेगड़े ने रिप्लेस कर दिया है, यानी सलमान खान के साथ पूजा हेगड़े रोमांस करती दिखेंगी। लेकिन ये न्यूज़ कितनी सच है इसके बारे में डिटेल सामने आई है। इस बारे में एक सूत्र से यह जानकारी मिली है कि फिल्म का टाइटल सही है, बाकी सब कुछ हवा हवाई बात है। कैसे कोई एक्ट्रेस रिप्लेस हो सकती है जबकि अभी तक स्क्रिप्ट ही नहीं लिखी गई है। फिलहाल मैं सीक्वल प्रोडक्शन स्टेज से काफी दूर हूँ। करीना कपूर खान का पूजा हेगड़े से रिप्लेस करना फिलहाल में पॉसिबल ही नहीं है। एक और बात, क्या ऐसा लगता है कि करीना को रिप्लेस किया जा सकता है? बता दें कि सलमान खान के साथ पूजा हेगड़े की जोड़ी फिल्म किसी का भाई किसी की जान में देखने को मिल रही है। फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है, वही सोशल मीडिया पर भी फिल्म के टीजर और गाने को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। बात करें करीना की तो सलमान के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों ने क्योंकि मैं और मिसेज खन्ना, बॉडीगार्ड और बजरंगी भाईजान में देखी और पसंद की गई थी। ऐसे में देखना होगा कि पवन पुत्र भाईजान में सलमान के साथ पूजा या करीना नजर आती है या फिर मेकर्स किसी और ही एक्ट्रेस को फाइनल करते हैं। अगर आप ये नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सलमान खान के अलावा ये फिल्म पहले ऋतिक रोशन और आमिर खान को ऑफर की गई थी, हालांकि बात नहीं बनी। एक बार एक इंटरव्यू में बजरंगी भाईजान के निर्माता रॉकलाइन वेंकटेश ने भी खुलासा किया था कि अल्लू अर्जुन और रजनीकांत या पुनीत राजकुमार और आमिर खान जैसे सुपरस्टार ने भी कहानी सुनी थी, हालांकि किसी कारण वे साथ नहीं आ सके। बाद में निर्देशक कबीर खान ने सलमान खान को कहानी सुनाई, जिन्होंने खुशी खुशी इस परियोजना को हरी झंडी दे दी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं पवन पुत्र भाईजान के लिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।